ये इनाम के पैसे निशाद भाई को दे दीजिए, या नहीं तो जिन लोगों ने दिया हमने वापस कर दिया। चाहे तो कोई एक आदमी आपको दे सकते हैं, कुछ लोग तो अपने गुनहगारी पेशर पड़ोसी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, गुनहगारी पेशर पड़ोसी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, समझ में रखकर शराब नोशी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, वो जिनके कहने से बोले कर उन्हीं की बस को सनाव को सुनकर छाई है फिर क्यों ये खामोशी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, वो जिनके कहने से बोले कर उन्हीं की बस को सनाव को सुनकर छाई है फिर क्यों ये खामोशी कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। हजरत बड़े अच्छे अंदाज में प्यारी प्यारी आवाज में खूबसूरत लबों और लहजे अच्छे मुताबिक को समेट कर अच्छी शायरी पेश कर रहे थे मोहतरम भाई। इशाक मौत मौत पूरी बेगौर की सरजमीन जिला उत्तर दीरान का बड़ा बड़ा खूबसूरत लहजा है। हिंदुस्तान भर में जाते हैं आपके शहर आपके जिले के नाम रोशन करके आते हैं, उनको आपने सुना है। जमीन के वफा का फूल खिला रहा है कोई, सिर्फ एक आदमी जो मेरी बात को समझ रहे हैं वो कह दीजिए सुभान अल्लाह। लोगों को मुझे मालूम है कि नोटबंदी के बाद भारत में कितनी परेशानी आई, इसका मुकम्मल मुझे भी ज्यादा पता है। और 9 महीने से लोग इस हिसाब से लॉकडाउन अनलॉक इस तरह से फॉलो किए बिल्कुल परेशानी में है। मैं समझ सकता हूँ कि आपके जेब लायक नहीं किसी को इनाम दे पाए, लेकिन आपका वोट तो सलामत है ना, आप तो होंगे नहीं है ना, आप आले रसूल की महफिल में बैठे हैं, सरकारी गौस की महफिल में बैठे हैं, गौसे आजम की मर्जी शामिल है, आप कह दीजिए या शेख अब्दुल कादिर जी, कह दीजिए या गौसे आजम, जोर से बोले या गौसे आजम, दोनों हाथ बड़े कहेंगे या गौसुल मदद, या गौसुल मदद। जमीन पे वफा का फूल खिला रहा है कोई, दुनिया में निजाम हस्ती को चला रहा है कोई, अरे तुम एक रोटी भी देते नहीं फकीरों को, शिकम में बांध के पत्थर खिला रहा है कोई, तुम एक रोटी भी देते नहीं फकीरों को, तुम एक रोटी भी देते नहीं फकीरों को, शिकम में बांध के पत्थर खिला रहा है कोई, चलो जाकर खरीद ले कितना सस्ता सौदा है कि तपती रेत पे जन्नत बना रहा है कोई, चलो जाकर खरीद ले कितना सस्ता सौदा है कि तपती रेत पे जन्नत बना रहा है कोई। पिछले दिनों हमारे यहाँ 2 हफ्ते हुए हैं बिहार असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट आया, हम लोगों ने जो सोचा था उसके मुखालफत में रिजल्ट आया, काफी मेहनतें करी लेकिन हमारे पक्ष में जो सरकारें बननी थी नहीं बन पाई। कुछ लोग कहने लगे कि हमारा बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं। सिर्फ एक आदमी जोर से सामने से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और बाकी लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं साथ आपके लिए है, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने से अलग पहचान रखते हैं, हुकूमत पर नहीं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, नबी वाले जमाने से अलग पहचान रखते हैं, कयामत तक उसे कोई गुमराह कर नहीं सकता, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान मानते हैं, कयामत तक उसे कोई गुमराह कर नहीं सकता। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आज अब जिहाद के नाम पर हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हमें एनआरसी सीए एनपीआर के मुद्दे पे पलटाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग हमें भारत के बड़े बड़े सदनों में हमारे खिलाफ बड़े बड़े बिल को पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा हकीकत ये है, हमारा मनयार ये है, हमारा स्टेटस ये है, हमारा वजूद ये है कि हम काम कोई देश में जाली नहीं करते। जरा ऊंची आवाज में कहिए सुभान अल्लाह, हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, थाली किसी गरीब की खाली नहीं करते, हम काम कोई देश में जाली नहीं करते, थाली किसी गरीब की खाली नहीं करते, अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को, अरे हम लोग हुकूमत भी चलाना नहीं करते, अब्दुल हमीद बन के उड़ा देते हैं खुद को, हम लोग हुकूमत भी चलाना नहीं करते। बातें बहुत सारी हो रही है सरकार गौसुल आजम के बारे में, बहुत सारी बातें आज इस महफिल में आपको सुनने का मौका मिलेगा। आइए आज की जो तकरीब है, आज की जो महफिल है, सबसे पहली जो गुफ्तगू होने वाली है हमारी जमात के जीनियस
एक माइंडेड खूबसूरत प्रतिभाशाली इदारे शरीया यूं समझिए कि इस्लामी अदालत के बहुत अच्छे जज इसको आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तब सरकार की जय हो जिनत उपकुल इस्लाम खतीब उल हिंद यादगार हजरत अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सादिक आलम साहब की तरफ से गुजारिश करता हूं जिसका ताल्लुक आपके जिले के बहुत अजीम सरकार से है ताल्लुक लाइया हुया हजरत से गुजारिश करता हूं माइक पर तशरीफ लाए पूरा मजमा दोनों हाथ उठा कर नारे का जवाब दीजिए जिनके पास एक हाथ चाहिएगा जिनके पास दो हाथ है वो बोल रहिएगा जिनके पास हाथ नहीं है तो कोई गुजारिश नहीं है नारे तकबीर देखे किनके पास नहीं है नारे तकबीर नारे रिसालत हस्म के आला हजरत जश्न-ए-गौसे आजम नारे तकबीर।